हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप जॉब पोर्टल्स जैसे कि naukri.com पर अपने आप को रजिस्टर कैसे करें ताकि आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकें। इसके लिए सबसे पहले अपने टैब पर गूगल यानी कि www.google.com खोलिए। जैसे ही आपका गूगल खुल जाता है वहां पे लिखिए naukri.com रजिस्टर, इस पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले आप देखिए कि naukri.com पे आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन जॉब्स naukri.com, जैसे आप ये खोलेंगे टैब तो आपका पेज खुल जाएगा जिसमें आप यहाँ देखिए naukri.com का वेबसाइट है जो दिखता है ऐसा। इसके लिए यहाँ पे न्यू टू नौकरी ये जो है यहाँ जाइए और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे एक स्क्रीन खुलेगा जो आपसे पूछेगा कि आप फ्रेशर है क्या प्रोफेशनल है। फ्रेशर्स वो होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है और अभी नौकरी कभी की नहीं है, पहली बार नौकरी कर रहे हैं, और एक प्रोफेशनल वो होता है जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो हम एक फ्रेशर का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं। सेम प्रोफाइल प्रोफेशनल्स के लिए भी बनता है। तो आप अगर एक फ्रेशर है तो ये ऐसा कुछ स्क्रीन खुल जाएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी। आप अपनी डिटेल्स दीजिए, अपना पूरा नाम, अगर आप मिडिल नेम भी कुछ लिखते हैं तो वो भी लिखिए, अपना एक करंट ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए जो आप यूज़ करते हैं सिर्फ आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है। और यार ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी प्रोफेशनल हो, आपका नाम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कोई डिजिट या नंबर, डोंट यूज़ ऐसा cooldudrahul@gmail.com, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है। नेक्स्ट है आपका पासवर्ड, आप जितने भी डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, मिनिमम आपको सिक्स लेटर्स का या वर्ड्स का यहाँ पे पासवर्ड चाहिए। आपका मोबाइल नंबर जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो, आप वो मोबाइल नंबर डालिए जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो। इसके बाद आपका करंट लोकेशन, आप किस शहर में रह रहे हैं और ये डालिए। तो हमने यहाँ न्यू दिल्ली डाला है। नेक्स्ट है आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। आपका सीवी है जो आपने बना रखा है उसको वर्ड या पीडीएफ फाइल में आप अपलोड कीजिए। आपका जहाँ भी रिज्यूमे सेव है वहाँ से वो रिज्यूमे लीजिए और इसको सेव कीजिए। तो हम पहले जैसे ही आपने रिज्यूमे अपलोड किया इसको रजिस्टर नाउ करिए। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका टैब खुल जाता है एजुकेशन का, जिसमें आपको कुछ और अपनी एजुकेशन रिलेटेड डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो जैसे कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और अगर आप ट्वेल्थ पास है तो ट्वेल्थ है, टेंथ पास है तो टेंथ है, उस हिसाब से आप डालिए। कोर्स डालिए आपने क्या कोर्स किया है। अगर आपका कोर्स इस लिस्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अदर्स कर सकते हैं और फिर अपने कोर्स का नाम लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा कोर्स बीए है तो हमने बीए डाला है। स्पेशलाइजेशन, आपकी जो भी बीए में स्पेशलाइजेशन थी आप वो देख सकते हैं, या कुछ अदर्स है, अगेन अदर्स आएगा और आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम डालना बहुत ज़रूरी है तो आप वो डाल सकते हैं, वो डालना होता है आपको। आपका कोर्स टाइप क्या है, फुल टाइम है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, पार्ट टाइम है, वो डालिए। पासिंग ईयर डालना बहुत ज़रूरी है तो उसका ख्याल रखिए कि पासिंग ईयर आपका डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में डालना है तो आप ऐड मोड एजुकेशन पे जा सकते हैं अगर आपने किया, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। स्किल्स, अब स्किल्स एज अ फ्रेशर आपको अगर आप प्रोफेशनल है तो आपके स्पेसिफिक फील्ड में आपके स्किल्स होंगे, बट एज अ प्रोफेशनल एज अ फ्रेशर आपके कुछ लिमिटेड स्किल्स होंगे बट स्किल्स होंगे आपके पास। जैसे कि अगर आपको एमएस एक्सेल आता है तो आप वो डाल सकते हैं क्योंकि एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपको वर्ड पे काम करना आता है तो आप वर्ड डालिए।
आपको पीपीटीज बनानी आती है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मतलब आपको जो भी आपको लगता है कि आपकी स्किल है वो आप देखिए, तो आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम कुछ स्किल्स आपके लिए डाल के आपको दिखा रहे हैं। मैनेजमेंट स्किल्स हैं अगर, तो वो डालिए, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस, आप इसको कंटिन्यू का बटन आप प्रेस कीजिए, एंड देन ये भी लोड हो रहा है। जैसे ही आपने ये डिटेल्स डाली, आपका बेसिक प्रोफाइल सेव हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, जैसे कि आप एजुकेशन डिटेल्स में आपको ग्रेडिंग सिस्टम पूछते हैं, आपका कितना ग्रेड आया था। तो अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज कीजिए, 10 या 4 ग्रेडिंग सिस्टम है तो उस हिसाब से चूज कीजिए। जो भी आपका क्यूमुलेटिव 3 साल का परसेंटेज है आपको वो डालना होता है यहाँ पे, और अपने कॉलेज का नाम भी डालना यहाँ पे जरूरी है। तो जैसे ही आपने ये डाला, इसके बाद आपका स्कूल का एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। आपने किस बोर्ड से किया, आपके कितने मार्क्स आए, और आप कौन से साल में स्कूल से आप स्कूल से निकले, आपको वो डालना होता है। मीडियम, आपका इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, जो भी मीडियम था। उसके बाद मैथ्स या इंग्लिश के मार्क्स यहाँ हैं, पर वो मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर क्लास 10th का बोर्ड, आपके कितने मार्क्स आए क्लास 10th में, आप वो डालिए। और फिर कौन से ईयर में आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया था वो डालिए, और कौन सा मीडियम था वो डालिए। अब जब आपने डिटेल्स फिल कर ली, नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल डिटेल्स, आपकी करंट सिटी आप किधर है। अगर आप सेम सिटी में है तो उस सिटी का डालिए, अगर आप और किसी सिटी में, आप उस सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जेंडर डालिए। उसके बाद आपका होम टाउन, आप कौन से शहर से हैं, आपका घर मतलब आपका होम टाउन कौन सा है, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी फैमिली कहाँ रहते, जो भी आपका होम टाउन है आप वो फिल कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर डालिए। ईयर के साथ उसके बाद वर्क प्रेफरेंस बताइए। आप पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, और इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं तो इंटर्नशिप पे क्लिक कीजिए, फुल टाइम ढूंढ रहे हैं तो फुल टाइम पे क्लिक कीजिए। आप कब काम करना शुरू कर सकते हैं, इमिडिएटली तभी की तब, या आपको कोई 2 महीना लगेगा, या अभी आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल नोटिस पीरियड है तो आप वो स्पेसिफाई कीजिए। हमने यहाँ इमीडिएटली किया। प्रेफर्ड लोकेशन, आप कोई भी लोकेशन प्रेफरेंस डाल सकते हैं, तो आप उसी लोकेशन की आपको जॉब्स के रिकमेंडेशन आएंगे, या आप वहीं का जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं है तो आप एनीवेयर इन इंडिया पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लोकेशन का है कि आपको स्पेसिफिक लोकेशन में ही करना है, जैसे अगर आप दिल्ली NCR में रह के ही नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। आप कम से कम 10 लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे 2 लोकेशन सेलेक्ट कर ली। उस 10 लोकेशन आप मैक्सिमम 10 सिटीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप डिटेल्स, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप किया है तो आप उसको भी इसके बारे में यहाँ डाल सकते हैं। इसमें नाम, ड्यूरेशन, कब से कब तक आपने किया, और डिटेल में 1000 वर्ड्स में आपको समझाना है अपने इंटर्नशिप में आपका क्या रोल था, आपने क्या काम किया। वंस यू डन विद ऑल दिस, आपको नीचे एक छोटा सा चेकर बॉक्स दिखेगा जहाँ आपको क्लिक करना है। ये ऑलरेडी टिक्ड है, आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, एक अग्रीमेंट होता है ये आपको और वेबसाइट के बीच में, तो इसको आपको क्लिक करना है। याद रखिए एक टिक का बटन होना निशान होना जरूरी है, तभी आप आगे अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। सबमिट एंड कंटिन्यू विद नौकरी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपने ये बटन दबाया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ये आपका प्रोफाइल बन गया है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपकी डिटेल्स आपको कुछ फिर से डालनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको आपका एक 3 MB का मैक्सिमम आप एक फोटो अपलोड कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट साइज फोटो। आपका ये है आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एक लाइन में आपको अपने बारे में अगर किसी को बताना है तो ये ऑलरेडी ये इधर इन्होंने रेकमेंड कर रखा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है लिखना तो ऑलरेडी ये एक फीचर आ गया है जिसमें इन्होंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो जॉब सीकर विद BA in Arts,
ह्यूमैनिटीज करंटली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज करंटली लिविंग इन न्यू दिल्ली. ये एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ऑलरेडी ऑटो फिल कर दिया. अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं. अगर आपको इंटर्नशिप है तो आपने कर रखा है तो आप इसमें अपने इंटर्नशिप के बारे में ऑनलाइन में जॉब सीकर विद इन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आप ऐसे करके कुछ यहाँ डाल सकते हैं. उसके बाद इंडस्ट्री, आपको कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है आपको वो चूज करना होता है. तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, एजुकेशन में जाना है, आपको इलेक्ट्रिकल्स में जाना है, एफएमसीजी सेक्टर में काम करना है अगर आपको, तो कौन सी होटल इंडस्ट्री में काम करना है, बीपीओ में काम करना है, एनजीओ में काम करना है, किस इंडस्ट्री में आप नौकरी ढूंढ रहे हैं आप वो सेलेक्ट कीजिए. तो इसके अंदर आप देखिए हमने जैसे कि ये सेलेक्ट किया. उसके बाद फंक्शनल एरिया, आपको उसके मैचिंग फंक्शनल एरिया चूज करना पड़ेगा. आपको किस का, आपको एचआर डिपार्टमेंट में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आईटी में जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहे हैं, किस चीज में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सेल्स की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उस रोल को आप फंक्शनल एरिया को प्रेफर करें, क्लिक कीजिए. उसके बाद आपको रोल देखना है आप, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप हाई लेवल पोस्ट के लिए, तो मैनेजर लेवल पोजीशंस के लिए ऑब्वियसली आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन ग्रेजुएट को जो फ्रेशर है तो फ्रेशर का ही रोल मिलता है. तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं फ्रेशर या ट्रेनी, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं. प्रेफर्ड लोकेशन आप कम से कम 3 लोकेशंस क्लिक कर सकते हैं इसमें. तो हमने दिल्ली और दिल्ली एनसीआर क्लिक कर दिया है. जॉब टाइप आप परमानेंट देख रहे हैं, टेम्प्रेरी देख रहे हैं, या दोनों देख रहे हैं तो आप बोथ पे क्लिक कीजिए. अगर आप फुल टाइम देख रहे हैं, पार्ट टाइम देख रहे हैं तो बोथ के लिए, और अगर सिर्फ फुल टाइम तो फुल टाइम पे क्लिक कीजिए. जैसे ये डिटेल्स के बाद आपको अपनी आईटी स्किल्स बतानी है. जैसे कि हमने आपको बताया था आपको कंप्यूटर में क्या आता है, तो आप डाल सकते हैं. अगर आपको एक्सेल आता है तो आप एक्सेल डालिए, कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्जन एक्सेल आता है, जो भी आपको वर्जन, कितना पहले आपने लास्ट इसको यूज़ किया था, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, वो डालिए. उसके बाद आपको इसके अलावा अगर को और कुछ आता है आईटी स्किल्स में, जैसे कि अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है या जो भी आता है, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं. ऐड मोर करते रहिए जितने आपकी स्किल्स है. याद रखिए जो भी आपको आता है उसको आपको अपने प्रोफाइल में डालना है. चाहे छोटी सी चीज़ आती है, छोटी से आपको कुछ कंप्यूटर में करना आता है, या आपका कोई आपको लगता है आपकी बहुत अच्छी स्किल है, तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए. अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स पे है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए. और एक बात का ध्यान रखिए, आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इस प्रोफाइल पोर्टल्स पे देख रहे हैं वो एकदम सच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू आता है और अगर वहाँ पे आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है, जो भी आपने प्रोफाइल में बोला है, क्योंकि आप प्रोफाइल के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए. उसके बाद अपना जेंडर चूज़ कीजिए, उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ कीजिए, आपका मेलिंग एड्रेस जो भी है आप वो चूज़ कर सकते हैं. मेलिंग एड्रेस वो होता है जो आपका अभी आप रेजिडेंशियल एड्रेस बेसिकली जो आपका है, तो आप वो डालिए. सिटी यहाँ नहीं आएगा, सिटी के लिए अलग से नीचे है, तो सिटी डालिए अपना, और सिटी का पिन कोड डालिए, जो भी आपका पिन कोड है उस पिन कोड को डालिए. जैसे ही आपने ये सारी ये भर दी, आप एक बार चेक कर लीजिए आपने सब सही भरा है कि नहीं. उसके बाद आप नीचे आइए. ये एरिया है जिन लोगों को देश से बाहर जाके, बाहर की कंट्रीज में अगर काम करना है तो ये उनके लिए है. अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको छोड़ दीजिए. अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आप ये ज़रूर मेंशन कीजिए इधर, अदरवाइज आप इस पर नो क्लिक कर दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए. जैसे ही आपका ये प्रोफाइल सबमिट हो चुका है, आप रजिस्टर हो चुके हैं naukri.com पे, आपका एक प्रोफाइल बन चुका है. अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अब आपका प्रोफाइल कैसे दिखता है हम यहाँ पे जाके देखेंगे. अब जैसे ही यहाँ जाएंगे एडिट माय प्रोफाइल पे, तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा. आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह दिखता है.
आप कहाँ से हैं करंटली, आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, वरना यहाँ फ्रेशर लिखा आता है, आपका ईमेल आईडी, आपका टेलीफोन नंबर। उसके बाद ये आपको, जब तक आपको ये वेरीफाई करने होते हैं, जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे, ये नौकरी डॉट कॉम वाले, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एक, ये जैसे आपने क्लिक किया, ये जो नंबर आया है इस पर मिस कॉल देना है और आपका नंबर वेरीफाई हो जाता है इसी नंबर से। और सेम आता है आपके ईमेल आईडी पे, आपको वेरीफाई करना है, रिक्वेस्ट ईमेल वेरिफिकेशन, आपको इस आईडी पे वो मेल भेज देते हैं। वंस यू आर डन विद ऑल दिस, नीचे जाइए, आपका रिज्यूमे का हेडलाइन जो हमने बताया था, ये आप एडिट भी कर सकते हैं बाद में कभी भी, तो यहाँ जाके एडिट कर सकते हैं। आपके की स्किल्स, आपने जो भी डाले थे वो यहाँ है, अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप इस पे, बस इस निशान पे क्लिक कीजिए और आपको की स्किल्स आपके आ जाएंगे। तो अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। जैसे ही आपने सेव किया, देखिए आपका नया स्किल ऐड हो गया है। आपकी एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने पहले काम किया है तो ऐड एम्प्लॉयमेंट कीजिए। एजुकेशन, आपको जो आपका, क्योंकि मेन तो आपका अगर ग्रेजुएट है तो आपको जो हाईएस्ट एक्चुअली एजुकेशन होता है वो ही दिखाता है। अगर आपको 12th और 10th भी ऐड करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आईटी स्किल्स जो भी है वो यहाँ आ गई। प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट किया है कॉलेज में तो ज़रूर ऐड कीजिए। आपने कहीं भी, आपने कहीं वॉलंटियर वर्क किया है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल समरी, जो कि मीनिंगफुल प्रोफाइल समरी है, जो कि आप लिख सकते हैं, बट ये तो मैंडेटरी नहीं होता। तो आप प्रोफाइल समरी होता है कि आप अपने आप के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं जो रिक्रूटर्स पढ़ते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो आप अलग अलग ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास है, आपका ऑनलाइन प्रोफाइल है, अगर आपका लिंकडिन पे अकाउंट है तो लिंकडिन का अकाउंट का लिंक आप यहाँ ऐड कीजिए। फेसबुक का लिंक अकाउंट ऐड कीजिए। आपने कोई पेपर लिखा है या कुछ पब्लिश हुआ आपका रिटर्न आर्टिकल, अगर आपने ऐसा कुछ काम किया तो उसका लिंक दीजिए। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है तो उसका डालिए। आपको कोई सर्टिफिकेट मिले हैं, सर्टिफिकेशन या फाइल, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन फाइल किया है तो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपका डिजाइड करियर, इसमें आप देखिए, आप अपना शिफ्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस शिफ्ट में काम करना चाहेंगे। अगर आपको नाइट शिफ्ट नहीं करनी है तो आप सिर्फ डे पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल है तो आप फ्लेक्सिबल पे कीजिए। ये सारी डिटेल्स आपसे एक एक चीज़ पूछते हैं तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कुछ एक्सपेक्टेड सैलरी है कि कम से कम आपको इतना चाहिए ही, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। याद रखिए, जैसे ही आप एक्सपेक्टेड सैलरी पे जाएंगे, ये जो लैक्स हैं ये पर मंथ नहीं पर ईयर का आपको ये यहाँ पे दिखाता है। तो आप पर देखिए कि मार्केट में कितना एक फ्रेशर को उस रोल के लिए मिलता है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और इसी हिसाब से डालिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट, अगर कोई रोल का इतना सैलरी नहीं बनता तो आपको यहाँ पे लिखने से उससे कुछ नहीं होगा। तो बी केयरफुल आप क्या कितना डाल रहे हैं एक फ्रेशर की नौकरी के लिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको पता है कि आपको कितना एक्सपेक्ट करना है, अपनी करंट सैलरी से कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही आपने ये सब भर दिया, आप इसको सेव कर लीजिए। ऐसे ही आप सारी डिटेल्स एडिट और सेव कर सकते हैं। आपकी पर्सनल डिटेल्स है, अगेन अगर आपको कुछ एडिट करना है, एक ऐड लैंग्वेजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आती है, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ इस भारत में बहुत लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, अगर आपको और आपको अपना प्रोफिशिएंसी बताना है कि आपको एकदम आप एक्सपर्ट हैं, कि आप अच्छे से कर लेते हैं, या आप बिगनर हैं, तो आप वो डालिए। उसके बाद आप रीड राइट स्पीक डालिए। उसके बाद अनदर लैंग्वेज डालिए, जो भी आती है, इवन हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी आप ये डाल सकते हैं। अगर राइट करना नहीं आता तो मत लिखिए, ज़रूरी नहीं है, बस बताइए कि आपको इसमें क्या क्या आता है। और इसके अलावा अगर आपको और कोई कोई लैंग्वेज आती है, अगर आती है तो आप वो भी डाल सकते हैं।
ये डाल ली। थ्री स्टेजेस होते हैं बिगनर, प्रोफिशिएंट एंड एक्सपर्ट के, तो आप अपने हिसाब से, आपको अगर बहुत ही आपने शुरुआत की है बोलने की या लिखने की तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। वन, जैसे ही आपने ये कर दिया इसको सेव कर दीजिए, आपकी लैंग्वेजेस सेव हो गई है। अब यहाँ पे वो आपको दिखा देता है आपने क्या क्या किया है। अटैच रिज्यूमे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिज्यूमे डाल दिया है, बट अगर आपको अपना रिज्यूमे चेंज करना है, आपने जो भी डाला है उसको हटा के दूसरा डालना है, तो बस अपडेट रिज्यूमे पे क्लिक कीजिए और जहाँ से भी आपको वो रिज्यूमे डालना है आप वो डाल के यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये पूरा हो जाता है, ये आपका नौकरी का प्रोफाइल बन जाता है। ये आपका एक नौकरी प्रोफाइल है जो आपने बनाया है ताकि आप नौकरियां ढूंढ सकें।